एक नंबर क्वेश्चन है हमारे जैसे, एक नंबर क्वेश्चन जो है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो देखिए इसका आंसर है, बहुकोशिकीय जीव की ऊपरी सतह कोशिकाएं वातावरण के प्रत्यक्ष रूप से संघित रहती है, आंतरिक कोशिकाएं तथा अंग प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं रहती है, अतः विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट अंग तथा अंग तंत्र उपस्थित होते हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो देखिए कोई सजीव है, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए निम्न मापदंड का प्रयोग करेंगे। पहला है, सजीवों में गति होती है, ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन की क्रिया होती है, यह वातावरणीय परिवर्तन को उत्तर देती है, उपापचय व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जित करती है और जनन की क्रियाएं होती है। ये सारा जो है सजीव के लक्षण हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन, जल तथा भोजन कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रियाओं को आवश्यक मानेंगे। तो देखिए जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्न प्रक्रिया आवश्यक है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन तथा संवेदना, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो देखिए स्वपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन कच्चे पदार्थों के द्वारा स्वयं बनाता है तथा दूसरे जीवधारी पर निर्भर नहीं रहता है, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी पोषण में जीवधारी भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहता है, हरे पौधे के अतिरिक्त सभी जीवधारी विषमपोषी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची पदार्थ और उसके स्रोत हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करता है, जल भूमिगत जल से करता है और सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन जो है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, इसके निम्न कार्य हैं। पहला दोस्तों कार्य है, यह भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, और दूसरा का इसका कार्य है, यह आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है जिससे पेप्सिन विकर सक्रिय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। तो देखिए विकर प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, विकर जटिल अणु यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को सरल अणु में तोड़ता है जिसके कारण अवशोषण सरलता से हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो देखिए आंत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं, यह पचित भोजन को अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र में वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखिए जलीय जीव की बात करेंगे, जंतु जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं,
यह मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से अत्यंत कम होती है। अतः जलीय जो है जीव श्वसन की गति अधिक होती है। स्थलीय जीव वायुमंडल के ऑक्सीजन के प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या हैं। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ इस प्रकार है। पहली अनॉक्सीश्वसन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है, ईस्ट है। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्णतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उदाहरण, हमारे पैरों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन गैस परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। इस तंत्र में निम्न अंग आते हैं। पहले दोस्तों है फेफड़ा, ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु निष्कासित करते हैं। हृदय अनऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ा में पंप करता है तथा ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, शीरा जो है दोस्तों शरीर के सभी भागों से अनऑक्सीकृत रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। अपवाद रूप में फुफ्फुसिया जो है शीरा जो है ऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ा से हृदय तक भेजता है। धमनियां दोस्तों हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाती है। यानी धमनी क्या करता है, हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाता है। अपवाद में फुफ्फुस धमनियां जो कि ऑक्सीकृत रक्त से हृदय में लेकर जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकलित किया गया है। तो फेफड़ों के अंदर श्वासनी छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें श्वासनिका कहते हैं। श्वासनिका के अंतिम सिरे गुब्बारे के समान रहता है, गुब्बारे के समान रचना में परिवर्तित हो जाता है जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिका गैसीय विनिमय के क्षेत्र में वृद्धि करती है और श्वास नलिकाएं जो है श्वास निकाय चारों ओर से रक्तवाहिनी के जल से घिरती है जिसके कारण गैसीय आदान प्रदान में सहायक प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों को क्या कार्य है। तो मानव में वहन तंत्र के निम्न घटक हैं। पहला जो है रक्त तथा लसिका। रक्त विभिन्न पदार्थों के परिवहन के माध्यम कार्य करता है। लसिका वसा के वहन में सहायता करता है। रक्तवाहिनियाँ धमनी हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है तथा शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त हृदय तक ले जाती है। हृदय यह पंप तंत्र के समान कार्य करता है जिससे ऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न भागों में तथा अनऑक्सीकृत रक्त फेफड़े तक पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने की क्यों आवश्यक है। तो देखिए, स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त को अलग करने के लिए आवश्यक है क्योंकि दोनों प्रकार के जंतुओं का शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त पृक्त होने से सभी अंगों के उच्च मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो उच्च संगठित पादप
तंत्र में इसके घटक हैं जाइलम और फ्लोएम। वाहिनिकाएँ वाहिकाएँ मृदुत तथा रेशे आदि कोशिकाएँ पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएँ सहचर कोशिकाएँ रेशे तथा मृदुत कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पादप में जल खनिज और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पादपों में जड़ों में उपस्थित रोम मृदा से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके जाइलम के द्वारा तना पत्ती तथा पुष्प तक पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है, वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक सतत स्तंभ का निर्माण करती है जिसके द्वारा जल खनिज लवण ऊपर और धकेला जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधे में बीज फल भंडारण अंग तथा वृद्धि होने वाले अंगों में भोजन पहुंचाया जाता है। यह क्रिया चालनी नलिकाएं सहचर कोशिकाएं की सहायता से ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी सभी दिशाओं में होती है। इस क्रिया में आवश्यक ऊर्जा एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है।